दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अंग्रेज भारत नहीं आए होते तो हमारे देश की तस्वीर कैसी होती? एक और जहां कुछ लोग अंग्रेजी शासनकाल को अच्छा बताते हैं तो वहीं कुछ लोग अंग्रेजी शासनकाल को बुरा भी बताते हैं। हकीकत क्या है, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। शुरू शुरू में अंग्रेज सिर्फ व्यापार के उद्देश्य से भारत आए थे, लेकिन सोने की चिड़िया भारत उन्हें इतना भाया कि अंग्रेज लोग इस पर शासन करने के सोचने लगे और इस पर वो सफल भी हुए और लगभग 300 सालों तक हिंदुस्तान पर शासन भी किया। भारत को ऐसे ही सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता था। भारत में कोहिनूर से लेकर सबसे बड़ा और हीरे जवाहरात के खजाने हुआ करते थे। अंग्रेजों के शासनकाल से पहले भारत जितनी संपत्ति किसी और देश के पास नहीं थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि गुलामी के दौर में अंग्रेज हर साल भारत से 4 मिलियन पाउंड की दौलत ले जाते थे, लेकिन इन सालों में ब्रिटिश हुकूमत ने एक और आर्थिक और शारीरिक शोषण किया तो वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसी चीजें भी दी जिसे चाहकर भी भुलाया नहीं जा सकता। 17वीं शताब्दी में जब अंग्रेज पहली बार भारत आए थे तब उनका मुख्य उद्देश्य सिर्फ व्यापार था, लेकिन भारत की समृद्धि देख वो व्यापार के बदले वर्चस्व बनाने में लग गए ताकि हिंदुस्तान पर शासन किया जा सके। इसके लिए अंग्रेजों ने छोटे छोटे राज्यों को अपने अधीन करना शुरू किया और जब छोटे राज्य उनके अधीन हो गए, उन्हीं की शक्तियों की वजह से बड़े राज्यों को भी अपने कब्जे में कर लिया। पूरे भारत पर कब्जा करने के बाद सबसे पहले अंग्रेजों ने भारत की कृषि व्यवस्था को कमजोर करना शुरू किया। परंपरागत फसलों की जगह किसानों को तिल, तंबाकू, कपास और दलहन जैसी फसलों को उगाने के लिए मजबूर किया गया। इन सभी फसलों को उगाने का मकसद ये था कि इन सभी फसलों को इंटरनेशनल मार्केट में बेचकर वे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते थे। अंग्रेजों ने पुश्तैनी जमींदारों से जमीन छीनकर नए जमींदार बनाए ताकि वो अंग्रेजों के हर हुक्म का पालन करें। लगान की दर में वृद्धि कर दी गई, जिसे पहले से कर्ज में डूबे किसानों की हालत और खराब हो गई। इसीलिए ये कहा जाता है कि अंग्रेज हमारे देश में नहीं आए होते तो कृषि के क्षेत्र में भारत अग्रणी देशों में शुमार होता। इतना ही नहीं, अंग्रेजों ने भारत में कपड़ा व्यवसाय को पूरी तरह खत्म कर दिया। अंग्रेज भारत में ही कपड़ा बनाने के लिए कच्चे माल सस्ते दामों पर खरीदते, उसी माल को भारत में ऊंचे दामों पर बेचा जाता था। बाद में अंग्रेजों ने भारत में ही कपड़े बनाने की मशीनें लगवा दी। यहाँ पर उन्हें इंग्लैंड के बदले सस्ते दामों पर मजदूर मिलने लगे, जिससे उनके व्यापार में अधिक लाभ होने लगा। इस तरह भारतीय शिल्पकारों को विदेशी बाजार में निवेश करना अत्यंत मुश्किल हो गया और देश में मौजूद परंपरा उद्योग ध्वस्त होकर रह गया और देश आर्थिक रूप से और कमजोर होता चला गया, जिसकी वजह से हमारा देश एक समय में निर्यात करता था, इसकी वजह से सिर्फ आयात तक बनकर रह गया। इतना ही नहीं, अंग्रेजों ने हमारे सामाजिक परंपरा को भी अपने अनुसार ढालने की कोशिश की, जो एक हद तक कामयाब भी रही। पहले हमारे देश में शिक्षा के लिए गुरुकुल हुआ करते थे। अंग्रेजों ने वेस्टर्न कल्चर बेस्ड स्कूल को इंट्रोड्यूस किया और तब से हम भारतीय स्कूलों में ही पढ़ने लगे। इन स्कूलों का मकसद भारतीयों को शिक्षा प्रदान करना या उन्हें लायक बनाना नहीं था, बल्कि अंग्रेजों को तो अपनी नौकरशाही में कुशल भारतीयों की जरूरत थी। आज जो पैंट शर्ट हम पहनते हैं वो अंग्रेजों की ही देन है, पर अंग्रेज भारत नहीं आए होते तो शायद आज भी हम स्कूल की जगह गुरुकुल में पढ़ रहे होते और धोती कुर्ता में नजर आते। और अंत में अंग्रेजों ने जाते जाते भारत को 2 टुकड़ों में बांटकर इसकी भौगोलिक स्थिति को भी परिवर्तित कर दिया। 1947 के बंटवारे के समय जो कत्लेआम हुआ था वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि हर शासन में कुछ बुराइयां होती हैं तो कुछ अच्छाइयां भी। अंग्रेजी शासनकाल में कुछ काम अच्छे भी हुए। आज जिस रेलवे को हम भारत की लाइफलाइन कहते हैं वो अंग्रेजों की ही देन है। भारत में हवाई सेवा की शुरुआत भी अंग्रेजों द्वारा ही की गई, जिसके द्वारा ये कहा जा सकता है कि ये दोनों चीजें हमें देकर नहीं गए होते तो शायद इन क्षेत्रों में आज हम इतने अग्रणी नहीं होते। भारत में उस समय मौजूद कई कुप्रथाओं को भी अंग्रेजों ने उस समय बंद करवाया था, जिनमें सती प्रथा प्रमुख थी। अंग्रेजों के आने से पहले हमारा देश कई टुकड़ों में बटा हुआ था, जिसे अंग्रेजों ने एक भारत बनाया। इसीलिए ये माना जाता है कि अगर अंग्रेज भारत नहीं आए होते तो शायद आज भी हिंदुस्तान कई टुकड़ों में बटा हुआ होता। अंग्रेजों ने ही सबसे पहले संसदीय चुनाव करवाया था। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको क्या लगता है कि अगर अंग्रेज भारत नहीं आए होते तो कैसी होती हिंदुस्तान की तस्वीर, हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।